सबसे पहले आपको योनो ऐप को खोल लेना है, वहाँ पर अकाउंट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसका स्टेटमेंट चाहिए। फिर यहाँ पर आपको एक इस तरह का सिंबल दिखेगा, उस पर आप तब क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटमेंट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब जो मोबाइल में डाउनलोड हुआ है उसका पासवर्ड कुछ इस तरह का होगा, जो कि शुरू की 4 डिजिट आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी और लास्ट की 4 डिजिट आपका अकाउंट नंबर की रहेंगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल फोल्डर में जाके देखना है माई गैलरी में। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा कि आपको किसी भी तरीके से आपको PDF फाइल नहीं दिख रही जो कि डाउनलोड हुई है, तो आपको फाइल मैनेजर में जाके आपको कॉल रॉ वाइज सेलेक्ट करना होगा और आपको एक फाइल फोल्डर ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम है इनटच। एक इस तरह का फोल्डर आपके मोबाइल में होगा, आपको एक एक फाइल जाके देखना पड़ेगा। जनरली वो वाला जो फोल्डर है वो इंटरनल शेयर स्टोरेज में एंड्रॉयड का जो फोल्डर होता है उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आपको वो मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ, थोड़ी आपको यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन जब ये देखिए यहाँ पर मुझे दिख गया लोटस इन टच। आपको सर्च करना है लोटस इन टच को, जैसे ही बैठ आपको दिखेगा फिर आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स में जाना है। ये देखिए अकाउंट स्टेटमेंट जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया है वह मेरे सामने आ गया। जब मैं उसको ओपन करूँगा तो मेरा जो पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको सेट करना है, वो पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करके देख सकता हूँ, इसका प्रिंटआउट निकाल सकता हूँ, इसको व्हाट्सएप पे या फिर सोशल ईमेल भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से।